नमस्कार बच्चों, पिछले व्याख्यान में आपने पढ़ा अशोक के धर्म के बारे में कि अशोक बौद्ध धर्म के मानने वाला था या ब्राह्मण धर्म का मानने वाला था या कोई अन्य धर्म। तो इसके मत में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिले जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का वो अनुयायी था। अब ये आता है कि बौद्ध धर्म के विकास एवं प्रचार के लिए अशोक ने क्या प्रयास किए। तो बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पश्चात अशोक ने बड़े उत्साह एवं रुचिपूर्वक बौद्ध धर्म के उत्थान, विकास और प्रचार के लिए अनेक प्रयास किए, जो इस प्रकार है। पहला, बौद्धिक धार्मिक स्थलों की यात्राएं। प्राचीन काल में शासक विहार यात्राएं करते थे जिनमें शिकार आदि मनोरंजन होते थे, परंतु अशोक ने इन्हें बंद करवा दिया और इसके स्थान पर धर्म यात्राएं आरंभ की। साम्राज्य और राज्य के मुख्य अधिकारी करते एवं उन्हें दान देते थे। इससे बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में सहायता नहीं मिली, बल्कि अशोक उसके राज्य अधिकारियों का जनता से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होने में सहायता मिली। इससे राज्य अनुशासन स्थापित करने में लोकतांत्रिक पद्धति का आरंभ हुआ। दूसरा जो पॉइंट है वो है हिंसा का निषेध। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पश्चात अहिंसा अशोक का मूल मंत्र बन गया। यद्यपि इस कार्य में उसे समय तो लगा, क्योंकि प्रजा में यागादि में पशु बलि तथा खान पान में मांसादिता अत्यधिक प्रचलित थी। इसलिए उसने अपने जीवन में आदर्श द्वारा उसको रोकने का प्रयत्न किया। वह स्वयं हिरण और मोर के मांस खाने में रुचि रखता था, अतः अपनी भोजनशाला में उनकी वेद की संख्या को स्नेह घटाकर पशु हत्या व मांसाहारी भोजन का राज्य अभिषेक के 26वें वर्ष तक स्वेच्छा त्याग कर दिया। इसके साथ ही राज्य में पशु वध या काया क्लेश को दंडनीय अपराध घोषित किया। अपने सम्राट का ये आचरण जनता के लिए प्रेरणादायक रहा और बहुत से लोग बौद्ध धर्म में दीक्षित होने लगे। हमारे कहा भी जाता है, यथा राजा जैसी प्रजा, यानी जैसा राजा होता था वैसी उसकी प्रजा हो जाती थी। तीसरा जो है वो है धर्म महामंत्रियों की नियुक्ति। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 13वें वर्ष में धर्म प्रचारक, धर्मांतरण, धर्म व्यवस्था एवं लोक कल्याण की देखरेख के लिए राज्य में धर्म महामंत्र नामक पदाधिकारियों की नियुक्ति की। इनसे धर्म प्रचार और प्रसार में अशोक को काफ़ी सहायता मिली। इनसे धर्मानुशासन भी स्थापित हुआ, जो अशोक के राज्य दर्श का आधार सिद्ध हुआ। अपने धर्म को लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित कर राज्य अधिकारियों को इसके प्रचार आदर्श किए। अशोक ने राजुकों, प्रादाशिकों और युक्तियों के लिए नियम बनाए। प्रत्येक 5वें वर्ष राज्य का दौरा कर अपने किया धर्म प्रचार के लिए, वो ये था जनता से सीधा संपर्क। 7वें स्तंभ लेख के अनुसार अशोक समय समय पर जनता को धार्मिक संदेश देता था। अशोक जनता से सीधे संपर्क कर धार्मिकता का उपदेश देकर और आध्यात्मिक उन्नति के बारे में प्रश्न पूछकर धर्म का प्रचार करता था। राजा द्वारा स्वयं उपदेश देने से प्रजा के मन पर निश्चित रूप से गंभीर प्रभाव पड़ता होगा। इससे धर्म की उन्नति में सहायता मिली होगी। इसी कारण D.R. भंडाकर ने लिखा है कि अशोक सच्चे अर्थों में धर्म प्रचारक बन गया था। इसके अतिरिक्त विद्वानों के भाषण एवं विचार विमर्श के सार्वजनिक आयोजन भी किए जाते थे, जिससे धर्म की उन्नत करने में उसे सहायता मिलती थी। ये आप नोट करेंगे, कई बार आता है कि उसके जनता से सीधा संपर्क किस में हमें मिलता है, तो उसके 7वें स्तंभ लेख के अनुसार हमें मिलता है कि अशोक समय समय पर जनता को धार्मिक संदेश भी देता था।
नेक्स्ट है दान व्यवस्था। अशोक ने राजधानी और अन्य मुख्य नगरों में दीन दुखियों, अनाथों, असहायों, साधु संतों आदि के लिए दानशालाएं स्थापित की। वह स्वयं भी दान देता था और अपने परिवार व भाई बंधुओं से भी दान दिलाता था। वह सातवें स्तंभ लेख में कहता है, मैंने ये इस उद्देश्य से किया है कि लोक धर्म का सभी व्यक्ति यथानुसार पालन करें। इस बात के प्रमाण हैं कि अशोक की दानशीलता से बौद्धतर जैन व संप्रदाय को भी लाभ प्राप्त हुआ। उसने बराबर गया जिला पहाड़ी पर आजीविक संप्रदाय के संन्यासियों के लिए कुछ गुफाएं निर्मित की। इससे पता चलता है कि वो जैन धर्म में भी रुचि रखता। तथा उसके भीतर दो समाधियां भी निर्मित करवाई। नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी कार्य। अशोक ने मनुष्य, पशुओं तथा अन्य जीवधारियों के कल्याणार्थ सड़कें, कुएं, जलाशय, धर्मालय, छायादार पेड़, बाग आदि के निर्माण सहित मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा के लिए औषधियों का प्रबंध किया तथा अस्पताल खुलवाए। इस प्रकार अशोक ने परोपकारी कार्यों द्वारा बौद्ध धर्म के प्रसार में सहायता दी। सत्य केतु विद्यालंका ने लिखा है कि धर्म और संस्कृति के प्रचार में चिकित्सालय बहुत उपयोगी साधन है। पशुओं के लिए चिकित्सालय बनाने वाला विश्व का पहला शासक था। इस बात नोट करेंगे कि मनुष्य के लिए नहीं, उसने पशुओं के लिए भी उस समय, ये बात है प्राचीन काल की, उस समय प्राचीन काल का इतिहास पढ़ रहे हैं आप, उस समय अभी कोई वंडर नहीं है इस बात का, लेकिन उस समय पशुओं के लिए चिकित्सालय बनाने वाला संबद्ध विश्व का वो पहला शासक था। नेक्स्ट आता है धार्मिक अभिलेख। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए चट्टानों, पत्थरों के स्तंभों तथा गुफाओं के बाहर धर्म के सिद्धांतों तथा उपदेशों को खुदवाया। इससे जहाँ धर्मोपदेश चिरस्थायी बने रहे, वहीं जनता को जानकारी आसानी से हुई। इन लेखों की भाषा तत्कालीन जनसाधारण की भाषा अनुरूप प्रणाली थी। इससे जनसाधारण को अशोक ने धर्म विचार समझाने और उनका पालन करने में सहयोग मिला। ये उसके धार्मिक अभिलेख। नेक्स्ट है बौद्ध स्तूपों और विहारों का निर्माण। अशोक ने बौद्ध धर्म संरक्षक के रूप में कई स्थानों पर स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया। यहाँ अनेक बौद्ध भिक्षुक निवास करते थे, धर्मोपदेश देते थे और धर्म प्रचार भी करते थे। नेक्स्ट कल ही बताया था कि इतिहास में चार बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ है और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको याद करने का एक और तरीका है कि आप इंग्लिश में इसको ऐसे याद कर सकते हैं, AKAK, ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर भी आप इसको कर सकते हैं। ए यानी अजात शत्रु, के यानी कालाशोक, फिर ए यानी अशोक, फिर के यानी कनिष्क, आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है जैसा अपना पॉइंट है बौद्ध धर्म की तृतीय संगति का आयोजन करना। तो इस ऐसा लगता है कि अशोक के शासनकाल तक बौद्ध में आंतरिक मतभेद होने लगे, इसलिए आचार्य मोगली पुत्र तिस्की, आप इसको अंडरलाइन करेंगे और नोट करेंगे, आचार्य मोगली पुत्र तिस्की अध्यक्षता में अशोक द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। 9 मास तक ये संगति चली रही। इसमें धर्म संबंधी समस्त विवादग्रस्त विषयों पर खुलकर विचार विमर्श हुआ। अंततः मोगली पुत्र द्वारा तृतीय कथा वस्तु नामक ग्रंथ सभी ने प्रमाण रूप में स्वीकार किया। इस तरह तृतीय संगति द्वारा अशोक बौद्ध धर्म की बुराइयों और शिथिलताओं को समाप्त करने और धर्म के को नवजीवन प्रदान करने में सफल रहा। अधिवेशन के अंत में मान्य धर्म को विभिन्न राज्यों में प्रचारित धर्म प्रचारक भेजने का उसने निश्चय भी किया। ये संगति कितने मास तक चली? 9 महीने तक ये संगति चली। इसमें खुलकर धर्म के बारे में चर्चा हुई, कथा
बुराइयों शिथिलता को समाप्त करने और धर्म को नवजीवन प्रदान करने में सफल रहा। किसके माध्यम से? तृतीय बौद्ध संगति के माध्यम से। तो इसको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और याद रखेंगे। नेक्स्ट है, धर्म के प्रचारक के रूप में अशोक का ये कार्य भी रहा कि उसने विदेशों में धर्म प्रचारक के लिए अपने दूत भेजे। अशोक के दूसरे, पांचवे तथा तेरहवे शिलालेख से ज्ञात होता है कि यवन राज्य, कंबोज राज्य, नाभक नाभपति राज्य, भोज राज्य, आंध्र राज्य, गांधार राज्य, राष्ट्रिक प्रदेश तथा अपरांत प्रदेश में धर्म प्रचारक भेजे गए। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य की सीमाओं के बाहर सुदूर दक्षिण भारत में चोल पांडे, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी और भारतवर्ष के बाहर 600 तक यूनानी नरेश, अंतोतुरामय, मग, अली, सुंदर के साम्राज्यों में भी धर्म प्रचारकों को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। यद्यपि रिज डेविडस ने यूनानी प्रदेशों में धर्म प्रचार को स्वीकार नहीं किया, किंतु अधिकतर विद्वान इससे सहमत है कि अशोक ने दूर दूर तक धर्म प्रचारक भी भेजे। सांची के नंबर 2 स्तूप में प्राप्त एक अवशेष में संपूर्ण पर जो सूची प्राप्त हुई है, इसके अनुसार धर्म प्रचारकों में महारक्षित को यवन राज्य, मजलतिक को काश्मीर और गांधार को महाधर्म, रक्षित को महाराष्ट्र, रक्षित को बनवासी और धर्म रक्षित को अपरांत पश्चिम भारत इत्यादि क्षेत्रों में उस प्रचार के लिए महेंद्र और सुमित्रा जो थे वो इसके पुत्र और पुत्रियां थे। तो इसने अपने धर्म प्रचार के लिए उनको वहाँ पर भेजा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए बहुत सारे कार्य किए और इनके प्रभाव से लंका के राजा तिश्य और उसकी प्रजा ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि ब्रह्मा में अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। दीपवंश और महावंश से विदित होता है कि नेपाल में प्रचार कार्य हेतु अशोक और उसकी अन्य पुत्री चारुमती गए थे, जहां उन्होंने ललितपटन तथा देवपटन नामक नगरों की स्थापना भी की। आप इसको नोट करेंगे कि नेपाल में अशोक ने किसको भेजा और वहाँ पर क्या हुआ। तो अशोक ने नेपाल में अपनी पुत्री चारुमती को भेजा, जहाँ ललितपटन और देवपटन नामक नगरों की स्थापना हुई और ललितपटन में एक क्षेत्रीय और कुछ स्तंभों का निर्माण कराया। इसी प्रकार अशोक के काल में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार उत्साही धर्म प्रचारकों के अथक प्रयासों का परिणाम था। डॉक्टर रोमिला थापर के अनुसार अशोक को जब अपने प्रयत्नों से संतुष्टि नहीं हुई तो उसने मगध साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को प्रचार मशीन के रूप में परिणित किया। इस प्रकार अशोक ने बौद्ध धर्म का सफलतापूर्वक प्रचार किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए किस प्रकार उसने अपने धर्म प्रचार अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने स्वयं अपने जीवन में इस धर्म को अपनाया और जो जो उसके बुराइयां थी उनको उसने परित्याग किया, ताकि जनता के समक्ष उसका ये उदाहरण प्रस्तुत हो और जनता उनका अनुकरण करे। और वास्तव में जनता ने ऐसे भी किया। यहाँ पर हमने देखा कि अशोक बौद्ध धर्म का पक्का अनुयायी था और उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में भी किया। उसके शिलालेखों से उद्धृत होता है, आप नोट करेंगे, जनता से जो संबंध है वो स्वात्वे में है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन उसके काल की एक महत्वपूर्ण घटना है। अपने पुत्र और पुत्रियों को उसने विदेशों में धर्म प्रचार के लिए भेजा है। तो ये एक महानतम सम्राट की उदाहरण है और ये
एक यहाँ पे एक रेफरेंस ये आया था कि उसने पशुओं के लिए भी चिकित्सालय का निर्माण करवाया। इससे ये विदित होता है कि वह उस काल का ही नहीं विश्व का सर्वोत्तम सम्राट था। तो इस चीज़ को आप नोट करेंगे और आगे इसको याद करेंगे। अब इसी क्रम में हम अशोक की पढ़ रहे हैं, तो अशोक का धर्म आपने देख लिया, अशोक की साम्राज्यवादी नीति आपने पढ़ ली। अशोक की साम्राज्यवादी नीति में आपने देखा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो साम्राज्य उसको छोड़ के गया था, जो संस्थापक था, उसके बाद बिंदुसार ने साम्राज्य का विस्तार थोड़ा बहुत किया और अशोक के समय साम्राज्य विस्तार तो नहीं हुआ था, क्योंकि उसके जीवन की एक तो कश्मीर विजय थी और एक कलिंग विजय उसके जीवन की अंतिम विजय मानी जाती है। यहाँ पर उसके साम्राज्यवादी नीति का फुल स्टॉप होता है। उसके बाद उसने अपना जीवन धर्म में लगा दिया। आपने पढ़ा कि अशोक के काल में धर्म के बारे में, धर्म पहले तो उस पर डिस्कशन हुआ कि वो ब्राह्मण धर्म का था, जैन धर्म का था, फिर हमने देखा कि बौद्ध धर्म के उसके बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। अब उसका जो बौद्ध धर्म का आपने देख लिया, आप जितने भी अशोक के बारे में आपने पढ़ा है उसके धर्म प्रचारक के रूप में वो याद करेंगे और नेक्स्ट व्याख्यान में हम लेंगे अशोक का धम्म। धन्यवाद।